थैंक यू. मैं अगर 7 हफ्ते लगातार नॉमिनेट हुई हूँ और 7ों हफ्ते नॉमिनेट होने के बावजूद अंदर हूँ, तो वो आप लोगों की बदौलत. मुझे पता है कि आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए क्लासी और मासी की कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों उसके लिए बराबर होते हैं. ये भी नहीं पता था रियल में कि मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मुझे गुस्सा आता है. मैं कभी ऊँची आवाज़ में भी किसी से बात नहीं करती, तो अंदर जाके मैंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, तो वो निकल जाता था. फिर मैं शांत भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ. विकास गुप्ता एक नंबर का चालाक आदमी है, वो उसको सबसे पहले बाहर निकालो तुम, नहीं तो सबका नाश कर देगा अंदर. सोतड़ी अगर वो मुझे बुलाता है तो उसको अपनी गिरवान में झांकना चाहिए, क्योंकि वो मेरे से कम तो सोता नहीं है, वो तो बहुत खराटे मार मार के सोता है. कि पुनीश का साथ मैंने नहीं छोड़ा, पुनीश ने छोड़ा. अगर शादी हो जाती है तो भाई भाभी के साथ चला जाता है, बहन को नहीं देखता. बंदगी, बहुत गुस्सा है मुझे उसके ऊपर. वो बाहर मिलेगी ना उस भूरी बंदरिया को, तो मैं बताने वाली हूँ, पर बाहर आ जाए. मेरे को नहीं लगता कि पुनीश बोल सकता है, बंदगी उसे प्रोवोक करती है. शिल्पा के लिए मेरी ये एडवाइस है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, वो बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनके लिए कोई अगर कुछ करता है तो उसको उन्हें ये नहीं कहना चाहिए हु आर यू, उनको ये बोलना चाहिए कि आपने मेरे लिए किया है थैंक यू. जो चीज़ आपने मेरी नहीं देखी है, मैं तारीख बताती हूँ 24 नवंबर से पहले पहले की. जो चीज़ नहीं देखी है 24 नवंबर से पहले पहले का, वोट पे देख सकते हैं. बिग बॉस 11 के लिए आप ट्वीट करें, हैशटैग करें, मेरे बारे में जो आपका मन करता है लिखें, क्योंकि मुझे पता है बुरा तो आप लोग लिख ही नहीं सकते. तो आप ज़रूर लिखिए. मैं घर जाके अपने घर वालों से मिलूंगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, उनकी शक्ल देख के सब कुछ भूल जाऊंगी. अंदर एलियन है, मुझे ऐसा लगा मैं अपनी पृथ्वी पर वापस आ गई हूँ. मुझे वापस बिल्कुल नहीं जाना, मैं अपने घर चली जाऊंगी. अब बहुत खुश हूँ मैं.